वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट हिल। बहुत सारे रिटेलर भाई जो हैं पूरे टेक्सटाइल में फंसे हुए हैं, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का एक टाइम पे लो लगा हुआ था, 52 वीक के लो के आसपास स्टॉक आ गया था। आज का अगर आप लो देखेंगे कितना है, मैं अभी आपको लो दिखा दूंगा, लेकिन 52 वीक का जो लो है वो है 6 रुपये 50 पैसे, और आज का लो भी देख लीजिए एक बार। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज के दिन का जो लो है वो कितना है, 6 रुपये 50 पैसे। तो जो 52 वीक का लो है और आज का जो लो है दोनों इक्वल है, यानी आज के दिन स्टॉक ने 52 वीक का लो लगाया हुआ। तो आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हम इस कंपनी का ऑलरेडी फंडामेंटल देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो 148 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, वैल्यूएशन काफी कम हो चुका है क्योंकि लगातार जो स्टॉक है वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 6 रुपये बुक वैल्यू है और 6 रुपये 67 पैसे के आसपास स्टॉक आ चुका है। आरओसी और आरओई इनका माइनस में जा चुका है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने जो है परफॉर्मेंस, जो कंपनी पहले अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, अब बिल्कुल परफॉर्मेंस कंपनी की बंद हो चुकी है। बिल्कुल कंपनी यहाँ पे सेल जनरेट नहीं कर रही है। डिविडेंड अनाउंस अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। 18 रुपये 80 पैसे का साल भर का हाई है, 6 रुपये 50 पैसे का लो है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। डेप्थ देखेंगे अभी कंपनी पर कितना है, 45 लाख का। ये डेप्थ तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है कंपनी पर डेप्थ। अगर कंपनी प्रॉफिट करती तो इजीली 45 लाख का डेप्थ यहाँ पे फिल कर सकती है, लेकिन कंपनी अभी बिल्कुल सेल जनरेट नहीं कर रही है और उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है। तो इस वजह से जो कंपनी का डेप्थ है 45 लाख का, ये भी बहुत बड़ा डेप्थ अभी के लिए कंपनी पर है। तो अगर आप कंपनी का काम देखेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर की बेसिकली कंपनी है, नंबर्स आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स बिल्कुल यहाँ पे अच्छे आ रहे थे, ठीक ठाक आ रहा था, फिर यहाँ पे देखिए अचानक से कम हुआ, फिर यहाँ पे न्यूट्रल आया, फिर बढ़ा, उसके बाद देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस। लेकिन आशा की किरण आपको देखने को मिली है दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट में। अगर आप देखेंगे कितना यहाँ पे सेल्स है, 12 करोड़ 60 लाख के आसपास सेल्स है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अब की बार की जो सेल्स है वो अगर आप पिछले 6 क्वार्टर को देखेंगे, पिछले 7 क्वार्टर को अगर आप देखेंगे, तो उनकी तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा हो सकता है कि कंपनी फिर से यहाँ पे प्रॉफिट कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने सेल जनरेट की, सबसे अच्छी बात तो यही है, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट भी 1 करोड़ 63 लाख का जनरेट किया है। हालांकि कंपनी इसके पहले भी प्रॉफिट जनरेट किए हुई थी, लेकिन उसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि उस टाइम जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था उस टाइम सेल्स कंपनी की नहीं थी, लेकिन अब की बार सेल्स भी कंपनी की आई है विद प्रॉफिट। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब सेल्स कंपनी की बढ़ती है और प्रॉफिट भी आपको आता हुआ देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा ये पैरामीटर है। आपको नंबर्स अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में, पिछले 8 क्वार्टर की तुलना में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। दिसंबर 2020 के बाद कंपनी की जो सेल्स आई है सबसे हाईएस्ट सेल इसी क्वार्टर में देखने को मिली है। तो इसमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। पहले साल दर साल देखिए, तो साल दर साल देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन 2021 और 2022 बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस, जीरो। मतलब कंपनी ने काम ही काज नहीं किया, जैसे इनका एक तरह से बिजनेस ही बंद हो गया हो। अब इनके प्रॉफिट भी देख लीजिए, तो प्रॉफिट देखेंगे तो 14 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, और 2022 में देखेंगे 4 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2022 में, तो यहाँ पे हमें 22 यहाँ पे हमें 12 करोड़ का प्रॉफिट क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट साल के अप्रैल तक वो पूरा ईयर जो है काउंट होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे जो डेटा देखने को मिल रहा है दिसंबर 2022, ये दिसंबर 2023 के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मार्च 2023 के डेटा में आपको मेंशन होते हुए देखने को मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग 68.45% है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग आपने देख ली, पब्लिक की होल्डिंग 31.54% है। तो अब चलिए इतनी चीज हमने देख ली, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लेवल इम्पोर्टेंट है या नहीं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट में, देखिए यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है, आपने देखा होगा यहाँ पे टॉप लेवल से गिरावट हो रही है। स्टॉक का ये हाई था और यही एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे ऑपरेटर ने डंप कर दिया था, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है। पैनी स्टॉक में मैक्सिमम जो प्रॉफिट बनते हैं, बड़े प्लेयर्स जो पैसा बनाते हैं वो पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी के तहत बनाते हैं। वो पहले स्टॉक को इतना ज्यादा बाय करते हैं कि स्टॉक में बहुत तेजी से आपको उछाल देखने मिलता है, अपर सर्किट लगाते लगाते स्टॉक काफी ऊपर के प्राइजेस पे चला जाता है। उसके बाद जब उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है तब वो सेल करने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि लोग जो रिटेलर्स हैं रेगुलरली बेसिस पे वो बाय का ऑर्डर लगाते रहते हैं। और एक दिन जब मैक्सिमम यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो अगर आ जाते हैं तो फिर वहां पर ऑपरेटर सेल करके निकल जाते हैं, और फिर लोगों को लॉस होने लगता है क्योंकि लोग की बाइंग यहाँ पे रहती है और वो बेचते हैं यहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट उनको अच्छा खासा लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग, अगर आपने हाई पे बाय किया है
तो आप फंसे कब होंगे? अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा था, मान लीजिए आपने 10 पे बाय किया था स्टॉक, अगर आपने 10 पे बाय किया था और स्टॉक 20 पे चला गया और उसके बाद भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो फिर इसमें गलती आपकी ही है। गलती आपकी है, पहले स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए हैं तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने 10,000 लगाया निकाला नहीं है तो इसमें पूरी तरह से आपकी फॉल्ट है। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कोई लेवल बन नहीं रहा है। अगर हम उसके बाद भी अगर हम देखें एक लेवल, उसके बाद भी अगर हम एक लेवल देखें तो करीब करीब ये एक लेवल बन रहा है। ऑलमोस्ट कितना है? ऑलमोस्ट है 6 रुपये 50 पैसे। यहाँ तक स्टॉक संभल सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है गिरावट बंद हो सकती है, लेकिन मार्केट अगर फॉल होता रहा तो इसमें भी गिरावट लगातार चल सकती है, क्योंकि कंपनी में अभी बहुत अच्छा कुछ सिनेरियो बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी जो है आगे आने वाले समय में लगातार प्रॉफिट में आ जाएगी, हम ये चीज़ नहीं कह सकते। तो आपको यहाँ पे अगर आपको, पहली बात तो आपको इस स्टॉक को बाय नहीं करना है, इस स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास पहले से ही क्वांटिटी बाय है तो सिंपल सा एक काम करिए, इग्नोर करिए इस स्टॉक को, इग्नोर करिए। अपने आपका जो स्क्रीनर है, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें अलर्ट लगा दीजिए कि सूरत टेक्सटाइल जो है, अगर आपकी बाइंग प्राइस मान लीजिए 16 रुपये आपका बाइंग प्राइस है, तो अलर्ट लगा दीजिए कि जब सूरत टेक्सटाइल 17 रुपये आएगा तो मुझको अलर्ट मिल जाए। तो जैसे आप ऐसा करते हैं तो आप आराम से स्टॉक को छोड़ दीजिए, साल 1.5 साल में जब, तो जब भी ये स्टॉक 17 रुपये के आसपास आएगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप इस स्टॉक पे फालतू अपना टाइम नहीं लगाएंगे। अगर जो भी आप टाइम लगा रहे हैं वो कोई अच्छे स्टॉक पे लगाइए जो कि फंडामेंटल अच्छा है, ऐसे स्टॉक को बाय करने की कोशिश करिए अभी, क्योंकि इस स्टॉक का जो फंडामेंटल बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। एक टाइम पे ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जब कंपनी का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गया उसके बाद से इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको दूसरे स्टॉक बाय करने हैं तो बहुत अच्छा है, इस स्टॉक में अभी बाय मत करिए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो चुका है अभी के लिए। और अगर आपने पहले से बाय किया है तो होल्ड रखिए, क्वांटिटी ना एग्जिट करिए ना ऐड करिए, क्योंकि देखिए अगर आपको मान लीजिए आपने 36 पे बाय किया है, और एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ 36 पे बाय किया है और 6 पे स्टॉक आ गया है, तो आपका कैपिटल तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा गायब हो चुका है। तो अब 6 रुपये पे बेचने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से या तो ये कंपनी 1 रुपये पर चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना कैपिटल लूज कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरा कैपिटल चला जाएगा। या फिर अगर यहाँ से कंपनी में फिर से कुछ कुछ चमत्कार हुआ तो ये कंपनी अगर फिर से कहीं 50 के आसपास चली गई तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मैक्सिमम लूज कर चुके हैं पैसा, इसमें मैक्सिमम लॉस में चल रहे हैं, 50% ज़्यादा कैपिटल जा चुका है, तो इस स्टॉक को बाय अगर आपने किया हुआ तो रखे रहिए, भूल जाइए स्टॉक को, अलर्ट डाल के बैठ जाइए, आपको इजिली यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा अगर उस लेवल के आसपास स्टॉक आता है तो। बाकी जो आपका बचा हुआ कैपिटल है उससे आप दूसरे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं अच्छे स्टॉक पे वीडियो बना दूंगा जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। एनालिसिस अपनी जरूर करिएगा बाय सेल करने से पहले।